Hello dear student, I am Gopal Parmar. I am a computer teacher. Today we are going to start computer system, chapter 1, computer system. तो चलो हम देखते हैं कंप्यूटर चैप्टर 1. कंप्यूटर में हमारा जो चैप्टर 1 है वो है कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर डज व्हाट आई आस्क इट टू डू, इट फॉलोज माय इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर जो होता है वो हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है. हम जो बोलते हैं, हम जैसा कहते हैं और हम जो टास्क देते हैं वो कंप्यूटर कंप्लीट करता है. कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो हम जो भी टास्क दे या फिर हम जो भी वर्क करना चाहे वो सब जो हम जैसा बोले वैसा कर सकता है. अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ यूजर, प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोड्यूस द आउटपुट. कंप्यूटर क्या करता है, हम जो उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो टास्क देते हैं, उसे प्रोसेस करके उनमें से आउटपुट देता है. तो कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, हमारा जो भी इनपुट होता है वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है. कंप्यूटर सिस्टम, अ कंप्यूटर विथ ऑल इट्स पार्ट सच एज सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम. इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब आपको ये देखना है कंप्यूटर सिस्टम होता है वो पूरा क्या होता है, कि कंप्यूटर के साथ सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और कंप्यूटर जो पूरी सिस्टम है वो एक साथ मिलजुल के काम करती है. और यहाँ जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं वो कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं. तो ये पूरा क्या है, सिस्टम. अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हार्डवेयर, द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी और टच आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर. मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू एक्सेट्रा आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन से तरह के होते हैं वो हमें देखना है, जैसे कि कीबोर्ड, फिर सीपीयू, माउस, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं, वो क्या है, हार्डवेयर. और जिसे हम लोग टच नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज. कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ कैटेगरीज है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस. तो अब हम पहले देखते हैं इनपुट डिवाइसेस. द डिवाइसेस दैट प्रोवाइड डेटा और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. द कंप्यूटर टेक्स एंड प्रोसेस दिस इंस्ट्रक्शन. इनपुट डिवाइस क्या करता है, कुछ एंटर करता है. जैसे हम लोग कुछ नाम लिखे या कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करें वो सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस. सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेब कैमरा एक्सेट्रा. ये सब जो लिस्ट है वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस. जैसे कीबोर्ड से हम लोग कुछ नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं, माउस से हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर डिसाइड कर सकते हैं, फिर माइक्रोफोन से हम लोग कुछ बोल के इनपुट दे सकते हैं, फिर बारकोड रीडर आपको पता है, हम लोग मॉल और सब जगह पे जाते हैं वहां होता है ना रेड कलर का बारकोड रीडर जो बारकोड को रीड करता है, फिर है स्कैनर जो कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, जॉयस्टिक जिसे हम लोग एंटर एज अ माउस हम लोग इनपुट दे सकते हैं, और वेब कैमरा जो क्या है, कुछ इनपुट लेके सामने दिखाता है. तो ये सब जो है वो इनपुट डिवाइसेस है. इनपुट डिवाइसेस का काम होता है कोई भी डेटा को इनपुट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं उसे इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. अब एक क्विक एक्सरसाइज देखते हैं, क्या प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, यस और नो. प्रिंटर तो क्या करता है, हमें प्रिंट देता है, तो प्रिंटर इज नॉट इनपुट डिवाइसेस. प्रिंटर इज इनपुट डिवाइसेस, नो. अब है आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू शो रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट. एक्सक्यूज मी,
monitor, printer, speaker, etc. are few example of output devices. ये जो सब एग्जाम्पल है वो क्या है, हमें आउटपुट देते हैं. मॉनिटर में हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटर से हम लोग कुछ देख सकते हैं. प्रिंटर से हम लोग प्रिंट में हार्ड कॉपी ले सकते हैं. स्पीकर में से क्या होता है, जो हम लोग गाना बजाते हैं वो स्पीकर से आउटपुट हमें मिलता है. तो ये सब जो है वो क्या है, आउटपुट डिवाइसेस. अब क्या है नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइसेस. द डिवाइसेस दैट आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन देम are called storage devices. These devices can store information both temporarily and permanently. A storage devices can be an internal device or external devices. Storage device में क्या होता है, जैसे आप लोगों के पास मोबाइल है उसमें आप फोटोग्राफी करते हो, वीडियो लेते हो या फिर कोई भी गेम लेते हो, तो वो हमारे मोबाइल में स्टोर होता है. तो स्टोरेज डिवाइस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का. स्टोरेज डिवाइसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों ने फोटोग्राफी या कुछ भी किया होता है वो सब स्टोर होता है. देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइस के भी दो टाइप है, एक है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और दूसरा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. पहला जो है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है, दिस डिवाइस होल्ड द डेटा टेम्पररी एंड आर इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस. फॉर एग्जाम्पल रैम एंड कैच मेमोरी. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, सपोज कि आपने कोई एक गूगल में जाके कोई वेबसाइट सर्च की तो वो टेम्पररी उस वेबसाइट का नाम स्टोर कर लेता है जो रैम में होता है. और दूसरा जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, उसमें क्या होता है, दिस डिवाइस होल्ड डेटा परमानेंटली. दे कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल. सी डी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. आपको पता ही है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो सी डी, डीवीडी और पेन ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं, सब डेटा स्टोर करके रखते हैं जो परमानेंट रहता है. अब है प्रोसेसिंग डिवाइस. CPU is the processing device of the computer. It is known as its brain. Computer ka brain kya hota hai? CPU. And process and stores the information. CPU se sara handling hota hai. CPU ke teen part hai. Pehla jo hai wo MU, dusra hai CU aur tisra hai ALU. MU means memory unit. CU means control unit. ALU means arithmetic logical unit. तो पहला है MU, memory unit. This unit is responsible for storing information. It can store information temporarily or permanently. दोनों तरह से जो memory store करता है वो है memory unit. Control unit क्या होता है, This unit responsible for managing all the operations of a computer. कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन जो होता है वो कंट्रोल यूनिट करता है. जैसे कि हम लोगों ने एक सॉन्ग प्ले किया, फिर तुरंत हम लोगों ने एक इमेज भी देखनी है, तो दोनों काम जो करता है वो सब क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट. ALU में क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द एरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन. हमको कुछ एडिशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन या कोई भी मैथमेटिकल कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है तो वो एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में होता है. द सीपीयू कैबिनेट कंपेयर्स ऑफ मेनी पार्ट्स. लेट्स नो अबाउट दीज डिवाइसेस. कंप्यूटर सीपीयू में बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, उसमें जो मेन डिवाइसेस है उसको अब हम देखते हैं. पहला है माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रोप्रोसेसर और सिंपली अ प्रोसेसर इज रिफर्ड टू एज द सीपीयू. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक चिप. एक ऐसी चिप होती है. इट परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन एंड कंट्रोल द इंटरनल एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस विद इन द कंप्यूटर. एक ऐसी चिप होती है जो पूरे प्रोसेसिंग का कैलकुलेशन और कंट्रोल रखती है. अब है मदरबोर्ड. तो मदरबोर्ड इज द बेस ऑन विच माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी एंड अदर इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर माउंटेड.
जो भी सब है ऐसे चिप वो सब यहाँ माउंट किया गया होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB। आपको ये फुल फॉर्म याद रखना है, PCB इज इक्वल टू प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड में क्या होता है, सब चिप यहाँ माउंट की गई होती है, मतलब कि माउंट मतलब कि उसके ऊपर सब अटैच होती है। फिर है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई प्रोवाइड प्रॉपर स्टेबिलाइज्ड पावर टू ऑल द इंटरनल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर फॉर देयर फंक्शनिंग। ये पावर सप्लाई क्या करता है कि बाहर से जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे स्टेबिलाइज पावर कर देती है, मतलब बहुत ज्यादा पावर उसे ना मिले, जो जरूरत है उतना ही पावर सप्लाई करने देता है। तो पावर सप्लाई का यूज होता है कि पावर को स्टेबिलाइज करके कंप्यूटर का फंक्शनिंग कर सके। अब है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आज के हमारे लेक्चर में हम लोग यहां तक रखते हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो एक बार हम सब रिफर कर लेते हैं, पूरी कंप्यूटर सिस्टम देख रहे थे। कंप्यूटर सिस्टम में मेन दो पार्ट होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या आता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या होता है, तो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, वो सब क्या है, इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मीन्स मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, जो हमें कुछ आउटपुट देते हैं वो उसे आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। फिर आता है स्टोरेज डिवाइस, जो भी हम लोग कुछ काम करते हैं, कुछ वेबसाइट सर्च करते हैं या फिर जो भी हमारा डेटा है वो सब स्टोर क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस। उसमें भी दो टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में टेम्पररी होता है, सेकेंडरी डिवाइस में परमानेंटली हमारे फोटो, वीडियो, डेटा सब कुछ स्टोर रहता है। फिर आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में सभी प्रोसेस अलग अलग रीत से होती है, जैसे मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर आता है CPU के ही दूसरे सब पार्ट, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, फिर मदरबोर्ड और पावर सप्लाई। ये तीन जो है वो CPU के मेन कंपोनेंट है जो आज हमने देखे हैं। तो आपको सब कुछ रीड भी करना है और उसे धीरे धीरे समझना है, ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स है। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।